कर रहे हैं। तत्पश्चात दान, ये चार विधि है। स्नान में विधि है दो तीन। ये लिखा क्या? सविधि सिता सित नीर, नदी सरोवर में कभी छलांग लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। बड़ी मधुरता से प्रणाम करते हुए आचमन करके, हा हा, बड़े ममत्व से। देखिए हमारे यहाँ नदियां माँ हैं। पिता से कभी कड़क वार्ता भी हो जाए तो हो जाए, माँ से कभी कड़क वार्ता नहीं होनी चाहिए। माँ से मधुर वार्ता रखो, ये माँ है, माँ है ना। पुराणों में वर्णन आता है कि अपने शरीर के चमड़ी का जूती बनाकर माँ के चरण में पिना दो, तब भी माँ के ऋण से उऋण होना संभव नहीं है, इतना ऋण है माँ का शरीर। माँ के प्रति आदर भाव। मैं विनोद में कहा करता हूं, माँ के पास थोड़ा बैठा करो। माँ के पास बच्चों की माँ नहीं, अपनी माँ। बच्चों की माँ के पास तो लोग बैठते हैं, नहीं तो मजबूरी में बैठना होता है। अपनी माँ ही बुलावे तो कहते हैं अच्छा रुका आवत है, आवत है, रुका 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 आवत है। कहाँ जाता है? दुकान जाता होगा, बैठा है। माँ माँ है, साथ शारदीय नवरात्र माँ त्रिवेणी मैया, त्रिवेणी मैया, कथा भी त्रिवेणी है। राम कथा जह सुर सरिता, राम कथा जह सुर गंगा मैया। यहाँ लिखा है राम भक्ति जह सुर सरिता, दोनों गंगा जी। राम भक्ति जह सुर सरिता, सर सई ब्रह्म विचार बचारा, सर सई ब्रह्म विचार भक्ति कथा में गंगा मैया, ब्रह्म चर्चा बीच बीच में प्रछन्न भाव से आती है सरस्वती मैया, और क्या करना है क्या नहीं करना विधि निषेध की चर्चा यमुना मैया, कथा में भी त्रिवेणी मैया की उपस्थिति है। अस्तु, बोलिए त्रिवेणी मैया की। और पड़ोस में त्रिवेणी मैया केन प्रणाम, पहले से बढ़ा लिया करो जी। हाँ, हाँ। मैं बोले करी माथे पति बढ़ के कीन ही प्रणाम, सब लोगों ने प्रणाम किया। ये देखिए सहज है, अरे हो कल आपसे चर्चा करेंगे। पुण्य बढ़ाना बिना पैसे का काम है। पुण्य में ध्यान रखिएगा, ये दिल खोल कर और कान खोल सुन लीजिए, पुण्य बढ़ाने में कानी कौड़ी का खर्चा नहीं। क्यों बाबा? उपाय बताएंगे ना। ये बतौले का तो हमार फीस बा,
यदि सब पते चल गई तो हमके बुलाही को। यही जो मूल बातें हैं, कुछ नहीं लगे। देख, दान अलग विषय है और पुण्य अलग है। दान को पुण्य ने, हमने लाख दान किया तो पुण्य नहीं किया। पैसा देना पुण्य नहीं है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा क्या है। छह पुण्य के प्रकार स्कंद पुराण में वर्णन है, हम कल चर्चा करेंगे। पुण्य, प्रणाम कर लिए पुण्य बढ़ गया। पुण्य पुरुष के लिए धरती पर कोई सुख दुर्लभ नहीं हो, सब सुख सुलभ। देखिए आगे, देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्वेत श्याम, गंगा मैया की श्वेत और यमुना मैया की श्याम लहरों को देखकर भरत जी कर जोर प्रणाम करते हैं। किसको? मानो श्री सीता राम जी का दर्शन हो रहा। स्वरूप का अनुसंधान हम कहीं कर सकते हैं जहां हमारी श्रद्धा टिक जाए। सरकार बैठे कहां है, भाव देखिए, मानो साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा। हाथ जोड़कर भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज, आप सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वेद में इस बात की चर्चा है और लोक में इस भाव की प्रतिष्ठा है। हम क्षत्रिय बालक हैं, हमारे कुल में भिक्षा मांगने की विधि नहीं है। आज आप सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं, अस्तु मैं क्षात्र धर्म का त्याग करता हूं कि मैं आर्त भाव में हूं। आर्त को अपने व्यवहार का स्मरण नहीं रहता है। मांगम भीख त्याग निज धर आरत न कर ओ कर अस जिया जानी सुजान सुदानी सफल राचक आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसा आपका विशेष महत्व हमने सुना। वेद भगवान कहते हैं, मेरी भी एक कामना है पूर्ण कर दीजिए। देखिए अर्थ कितना चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं है, धर्म कितना पालन करना है इसकी कोई गति नहीं है, करते रहिए। सुख आपको जो भगवान ने दे दिया है, सभी इंद्रियों की सीमा निश्चित किया है परमात्मा ने। हमारे समेत आप में किसी की ऐसी क्षमता नहीं है कि सुख को किसी इंद्रिय से अनंत काल तक लिया जा सके, संभव नहीं है। भगवान ने धम को आपको दिया सब कुछ है, लेकिन सभी इंद्रियों का मूल भगवान ने अपने हाथ में रख रखा है। आंख कब तक देखेगी, लाख चश्मा लगाओ, चश्मा पे चश्मा लगाओ, सीमा निश्चित है। कान कब तक सुनेगा, सीमा निश्चित है। जिह्वा कब तक चलेगी, निश्चित है। सभी इंद्रियों के वह भगवान ने अपने हाथ में समेट रखा है। इसलिए ये सब सामग्री भगवान से मांगने योग्य नहीं है।